हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग। ये तो छाया वाली ड्रेस है ना? हाँ, नाइटी है। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। हाँ, और क्या दिखना चाहिए बिहाइंड द सीन्स वाला थिंग। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या पहनना है। मैं अपनी फेवरेट यूट्यूबर से मिलने जा रही हूँ कल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज मुझे हेल्प मी आउट। यस, हाई गाइज, सो बेसिकली दिस इज बिहाइंड द सीन्स ऑफ माई मीट एंड ग्रीट। मेन वीडियो मेन चैनल पे आएगा, जो मीट एंड ग्रीट का एक्चुअल वीडियो रहेगा, एंड दिस इज वेयर वी आर डूइंग द बिहाइंड द सीन्स। सो आज मैंने अभी ये वीडियो स्टार्ट करी है 11:30, 11:47 अप्रॉक्समेट टाइम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सो इट्स 11:47, हम अभी थोड़ी देर पहले घर आए हैं कल का सब कुछ करके। मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी, मुझे कितनी तेज़ नींद आ रही है। इनका अभी भी ड्रेस डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये ड्रेस डिसाइड कर रही है। वैसे हुआ मेरा भी नहीं है। क्या चाहते हैं आप कि मैं, मेरी जो यूट्यूबर है, मतलब मेरी जो फ्रेंड इंस्पिरेशन है, वो पर्पल फैन है। पर्पल क्या बोलते हैं उसको? BTS फैन। हां, BTS फैन है, तो वो उनको पर्पल का सर, पर्पल कलर पसंद आता है, तो ये क्या है, जलपरी बन जाए यार। वैसे ये अच्छा टॉप है, ये वाला। हाँ, अच्छा लगता है। जलपरी बन जाए ये नहीं, जो आप ये वाला, ये नीचे लैवेंडर वाला जो आप रखा है, गंदे लगे थे, इतने गंदे जो हमने वेन्यू वगैरह डिसाइड कर लिया है। इतना घूमने के बाद आज पूरा हमने सीपी घूम लिया है, पूरा सीपी अंदर। आज हमें पता चला कि सीपी कैसे घूमा जाता है। अंदर वाला ब्लॉक, बाहर वाला ब्लॉक, जितने ब्लॉक्स थे सारे ब्लॉक्स हम लोग ने घूम लिए हैं, और फाइनली एक लोकेशन हमने एग्री कर लिया है, हमने इन्फॉर्म भी कर दिया है। सो कल 12 बजे से मीटअप है। अभी मुझे कुछ गिफ्ट्स रैप करने हैं, बिकॉज कल हम बहुत ही बोरिंग नहीं रखने वाले हैं, थोड़ा फन टास्क भी रखेंगे, तो थोड़ा Q&A वाला सेशन रखेंगे। तो उसके लिए मैंने 10 questions प्लान करे हैं, और ये वो होस्ट करेंगी, तो इनका वो होस्टिंग वाला सिस्टम है। बट अभी मुझे वो गिफ्ट रैप करने हैं। दूध रखा है हमारे पास ना, तो एक चाय बनेगी, बिकॉज़ अभी हम सो नहीं सकते। नींद तो बहुत आ रही है, बट अभी नहीं सोएंगे, थोड़ी देर बाद सोएंगे, बिकॉज़ कल मुझे सुबह जल्दी निकलना है, तो कल बहुत हड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए कल मैं नहीं इतना तामझाम कर सकती हूँ सुबह से। तो हम अभी ही गिफ्ट रैप करके, कल की सारी तैयारी करके हम आज ही सोएंगे, एंड फिर कल चलते हैं। मैं निकलूँगी आई गेस 10:30 के अप्रॉक्स में, जिसमें मैं 11:30 तक पहुँच जाऊँ, और 12 बजे तक लोग आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 पीपल। 76 ने फॉर्म भरा था, 76 जो थे ना, उनमें से आधे नियर बाय भी हैं, लाइक वो प्रॉपर डेली के नहीं है, तो बहुत सारे लोग नहीं भी आ पा रहे हैं। मैंने सबको कम्युनिकेट कर दिया है कितने बजे आना है, कितने बजे तक वो लोग घर पहुंच जाएंगे वापस। सो इन केस मुझे नहीं पता कितने लोग आने वाले हैं, बट फिर भी मैं 20-30 एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ। सो लेट्स सी, अब हम चलते हैं, पहले गिफ्ट रैप करते हैं, टेप और पेपर ढूंढते हैं, जब तक चाय बन रही है फिर देखते हैं। आई गॉट द पेपर्स, अब इन्हें पैक करना है मुझे, सो जल्दी से पैक करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिफ्ट्स हैं और 10 questions हैं। मुझे अभी फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा और मुझे उनको सेंड करना है। अभी आउटफिट डिसाइड हो रहा है, चाय बन गई है, चाय पीते हैं। ये वाले में वकील वाला फील आ रहा है, ये वाला कोट पहनने में बस केस लड़ने जा ही रहे हैं अभी हम। जज साहब, कब से भाई अर्जी है? मैं तो ऐसे ही अच्छा लग रहा हूँ। तो ऐसे पहन ही जाएंगे कभी कभी, तो अभी पहन चलो ना कल। सब कुछ हो गया है ऑलमोस्ट, हमने सारे गिफ्ट रैप वगैरह कर दिए हैं, वहाँ पीछे आपको दिख रहे होंगे। बस अब हमें कल सुबह से उठ के नहा धो के रेडी होना है, सब कुछ पैक करना है, और फिर हम निकल जाएंगे। प्लान है हमारा कि 11:30 तक हमें वहाँ पहुँचना है, तो मैं 8:30 का अलार्म लगा के सोती हूँ, और हम मिलेंगे कल सुबह। शिंचन
गाइज हम निकल गए हैं, कितने बज रहे हैं, 11:15 बज गए हैं, हमें पहुंचने में राजीव चौक 1 घंटा लग जाएगा, तो 1 घंटे तक हम पहुंच जाएंगे। कुन्नू पहुंच गया है तो वो जब तक लोगों को लेना स्टार्ट करेगा और हम लोग जब तक पहुंच जाएंगे, सो लेट्स गो। चलो गाइज, गुड टू सी यू। नेक्स्ट पिकनिक पे मिलेंगे हम, जो हम जल्दी मार्च में कहीं प्लान करेंगे, ठीक है। और सबको मैं वहाँ पे उसी ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, उस ग्रुप में सब कुछ बता देना अपने चैनल से रिलेटेड, और मैं थंबनेल्स वगैरह भी उनको बोल दूंगी तो वो शेयर कर देंगे। और जो भी दिक्कत आए वो ग्रुप हमेशा रहेगा, तो उसमें मतलब अपनी क्वेरीज वगैरह डालते रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्योंकि एक दूसरे से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। चलिए चंद शब्द, बहुत अच्छा लगा मेरे को आज। क्या अच्छा लगा मैम आपको, क्या अच्छा लगा मेरे को आज का एक्सपीरियंस? मैं कल से सपने आ रहे थे मेरे को, मैंने बताया भी शायद थी बताया था। मेरे को सपना है कि कैमरा टूट गया है, कुल्लू को भेजा है, शिवांगी मैम को भेजा है, बट कैमरा तो रहा ही नहीं, खैर बैटरी नहीं आ पाई उसकी, सपना सच ही हो गया। बट ठीक है, आप लोग आए मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट तो करा था लोग आएंगे।
वी आर बैक होम, फाइनली कैमरे की बैटरी मिल गई है जो हम भूल गए थे. मैंने सोचा मैं गिफ्ट्स निकाल रही, तो खाली हो गया. गिफ्ट्स निकाल रही थी तो मैं देख लूँ क्या क्या आया है. वैसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसने क्या दिया था, बट आपने ब्लॉग में देख लिया होगा किसने क्या दिया था. सो टॉफीज तो बहुत सारी मिली है, पूरा चॉकलेट डे आज हमारा हो गया है. 1, 2, 3, 4, 5 इतनी है ना, 5 चॉकलेट आई हैं. सारी जितनी मैंने नहीं खाई है सालों से, आज मैं सब खा लूंगी. आज तो नहीं खाई है बट हाँ. और हम लोग को आज संतरा खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा वाला, बहुत ही ज़्यादा वाला. तो हम लोग ने कहा जाते जाते लेकर आते हैं. मैं सबसे क्यूट वी लग रहा हूँ. वी कौन है इनमें से? वी चलो पता तुम्हें, जीजाजी के बारे में भी पता होगा, कौन खाने पता होगा. ये एक बहुत क्यूट सी मुझे डायरी दी है, मुझे अभी भी याद नहीं आ रही है किसने दिया, बट आई गेस दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट डायरी जो मेरे पास है BTS की. इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी हैं, बट ये सबसे क्यूट है और इसमें वी सबसे क्यूट दिख रहा है, सबसे ज्यादा क्यूट दिख रहा है. तो मैं इसमें पता नहीं क्या रखूंगी, बट अभी मैं सारी डायरीज रख दूंगी मेरी ऑलरेडी चल रही है जो मुझे श्रिया ने दी थी. सो यस, फ्रॉम अभिलाषा AKA ग्लैमी अभी. ये मुझे अभिलाषा ने दिया है और इसके अंदर बुक है, उसने पहले ही बता दिया था मुझे वहीं पे. और कोई आर्टिस्ट वाली बुक है पता ही है. स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, मैंने सोचर की कभी नहीं पढ़ी. 10 things nobody told you about being creative, बहुत अच्छी बुक होने वाली है और बहुत छोटी सी है तो मैं जल्दी पढ़ लूंगी. तो थैंक यू अभिलाषा, अब मैं नेक्स्ट इसे ही स्टार्ट करूंगी. स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, डोंट वेट अंटिल यू नो हु आर यू टू गेट स्टार्टेड. ऐसे ये पिलो है दिख रहा है, ये सोनी रायगी, ये और एक और बॉक्स. हाँ भाई इसमें मेरी फोटो तो नहीं है ना, या वी की, वो भी है क्या BTS वाली, नहीं पता. और ये जो मेरी फोटो है, ओ भाई इसको पता ना कि हम मीटअप 19 हाँ पता. शिट 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 दिखा दे तुम्हारी तुम्हारी फोटो है भाई. इट्स क्वाइट ये मुझे सोनी ने दिया है, बहुत ही प्यारी लड़की है सोनी, बहुत ही प्यारी, यही रहती है अब मैं उसे घर बुलाऊंगी, बहुत सुंदर लग रहा है यार ये. इसमें मेरी सारी फोटोज हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट्स वाली ज्यादा है गेस, गरबा वाली सेल्फ पोर्ट्रेट्स वाली, और बीच में लिखा है अंशिका, पीछे प्लेन है, बट ये बहुत ही सुंदर है. मैं कहीं अपने बैकग्राउंड में से सजा के रखूंगी ताकि हर बार मतलब मुझे याद आती रहे. सेकेंड में भी मुझे लग रहा है शायद कुछ ऐसे ही सा ना हो. यार एक नैना ने भी गिफ्ट दिया था, आई गेस ये रेड वाली है नैना का, क्योंकि नैना ने मेरे से बोला था कि जब आप इसे ओपन करो ना तो आप मुझे फोन करना. इसमें बताओ क्या होगा, कुछ गेस. मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो कि इसमें कुछ हैंडमेड या फिर क्यूब लग रहा है. कप है, कप हाँ हो सकता है. यार मुझे सिज़र चाहिए पड़ेगी क्या, तब हम ये नैना का गिफ्ट ओपन करते हैं. I guess thrifted item, dear Anshika, बहुत बड़ा कुछ तो लिखा है नैना ने. नैना ने अपना नंबर डेट 17th को लिखा है. फॉर यू ओनली अंशिका, थैंक यू फॉर ऑलवेज हेल्पिंग मी. वैसे नैना को मुझे मॉडल के लिए तो बुलाना है. नैना वो एक्चुअल नैना थी, चश्मा लगा थी मतलब. हाँ मतलब वैसी नैना थी. ये जवानी है दीवानी टाइप. हाँ. और इसमें व्हाइट कलर का कुछ है, ट्राउजर तो नहीं है ना. ये
आज ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरा बर्थडे है यार भाई। बर्थडे पे मेरे गिफ्ट नहीं मिले, मुझे क्या मेरे मीटअप में मिल गए। आई थिंक दिस इज अ ट्राउजर और अ शर्ट, टी शर्ट। अच्छा ये ऐसा है, दिस इज अ ड्रेस आई गेस, क्या है ना? है ना? जो पीछे से ऐसी बैकलेस है आई गेस, है ना? हाँ, न्यू मी। ओके सो दिस इज अ ड्रेस फ्रॉम अ ब्रांड न्यू मी। मैं सबसे पहले अब यही बताती हूँ न्यू ब्रांड का नेम। तो ये मुझे नैना ने दी है, बड़ी ही सुंदर और सेक्सी सी ड्रेस है। पता नहीं मैं इसे कब पहनूंगी, पर मैं पहनूंगी जरूर। सही गैस यार, छुटकी यार। अंशिका, ओके सो दिस इज ऑल्सो कस्टमाइज। अंशिका, गॉर्जियस, स्टनिंग, बोल्ड, ब्रेव, स्वीट, सुपर गर्ल स्टे। ऐसा कप अच्छा लगा, हाँ, जिसमें फोटो वोटो ना हो, हाँ। इसलिए ये बड़ा ही सुंदर कप लगा हमें। ये मेरा नाम लिखा है क्या इसमें? वो भी लिख सकते थे वैसे। ये भी एक सबसे अच्छा गिफ्ट, वैसे मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ। सारे ही सबसे अच्छे हैं। सोनी के लिए स्पेशल थैंक्स, बहुत मेहनत करी सोनी ने। एंड अच्छा ये रिधि ने दिया था, रिधि ने मतलब दो में से कुछ, आई गेस एक हिमांशी ने दिया और एक रिधि ने दिया है, जो डायरीज है ना, जहां तक मेरे को याद आ रहा है शायद ये रिधि या फिर हिमांशी ने दिया था, और वो भी रिधि या हिमांशी दोनों में से किसी एक ने दिया था। और मेरे पास साहिबा का भी वो है नेक पीस जो उसने मेरे को दिया था, नेक पीस दिया था, इयररिंग दे रहे, नेकलेस, नेकलेस मेरे हाथ में है अभी। या साहिबा ने मुझे बहुत ही प्यारा सा ये हार्ट नेकलेस दिया था, जो मेरा आउटफिट के साथ आज बड़ा ही अच्छा लगता अगर मैं पहनती, बट ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है वैसे उसका नेकलेस। और ये मुझे हिमांशी या रिधि में से किसी एक ने दिया है, और ये और वो तो मैं रखने वाली हूँ, थोड़े टाइम बाद मैं निकालूंगी, बिकॉज बहुत ही स्पेशल सी डायरी लग रही है इसमें। अच्छा वो नंबर लिखा है, अगर उसमें बीटीएस नहीं बना होता छोटी वाली डायरी में तो वो हमारी डायरी होती है। अगर बीटीएस नहीं बना होता, बट अगर बीटीएस बना है तो ऑब्वियसली फिर मैं वो लूंगी, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपने ब्लॉग इन्जॉय करा हो, और मैं जल्दी से इसे एडिट करके अभी अपलोड कर दूंगी ताकि ज़्यादा दिन ना हो। एंड एक और चीज़ मुझे आज बहुत अच्छा लगा, ये वन ऑफ द बेस्ट डेज में काउंट होने वाला है, जो 19th ऑफ फेब्रवरी वाला दिन है। एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस पर्सन, अरे यार फोन भी अभी, भैया धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले 7 जन्म में हम आभारी रहेंगे। बहुत आभारी है कि आपने हमें ऐसी चीजें दिखाई जो शायद हम नहीं देख पाते। पॉइंट, आई लव्ड द थिंग, जो भी आज हुआ ना, हम तो बहुत ग्रेटफुल हैं कि ये चीज में हम शामिल हो पाए। सही बात है, मुझे ऐसा लगा कि आज 3 साल की मेहनत मेरी वर्थ इट रही यूट्यूब की। पहले तो सोचा था कि 2-3 लोग ऐसा, मतलब ये तो पता था कि आएंगे बहुत सारे लोग, बट ऐसा नहीं था कि इतना ज्यादा है वो हो जाएगा, फ्रेंडली माहौल हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होते हैं। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा। अगर 2 लोगों को भी इंस्पायर कर रही तो बहुत है मेरे लिए, वो भी बहुत है, 2 लोग भी आए तो अपन तो खुश है। सही बात है। टोटल 26 लोग थे आई गेस, सबको मिला के 26 अपन ने काउंट करा था ना, टोटल 26 लोग थे। एक बिचारी, दो आ नहीं पाई थी, टेक्स्ट आया था क्योंकि उनका, और उसके अलावा हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा आज। मतलब मुझे पर्सनली आज का दिन बहुत अच्छा लगा, और बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा है मुझे, रिग्रेट इसमें होना भी नहीं चाहिए, बट मतलब मेरा फर्स्ट एवर मीट एंड ग्रीट जो रहेगा ना, वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो गया मेरे लिए। आई होप मैं जल्दी से सेकेंड मीटअप भी ऑर्गेनाइज कर सकूं, तो उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, बट लेट्स सी कब होता है वो। और हम जल्दी से फिर से मिलेंगे अपने सब्सक्राइबर्स से, बिकॉज मैं एक सब्सक्राइबर मेकओवर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें हम मिलेंगे सारे सब्सक्राइबर्स से एक एक करके। एंड या दैट्स इट, आई होप यू एंजॉय माई टूडेज ब्लॉग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।